रोम की वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस से भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की भेंट वार्ता। धर्म प्रांत के धर्म अध्यक्ष इग्निशियस डिसूजा स्वामी जी से एक खास मुलाकात में यह जाना कि रोम की वेटिकन सिटी के पोप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्या वार्ता हुई और किस चीज पर चर्चा की गई। तो बरेली धर्म प्रांत के धर्म अध्यक्ष स्वामी जी ने बताया कि वार्ता का निर्धारित समय केवल 20 मिनट था, लेकिन दोनों की बात एक घंटे से भी ज्यादा चली और उसमें बताया गया कि जो पर्यावरण का मुद्दा था, न केवल भारत और हमारे एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में जो पर्यावरण की चिंता है इसके बारे में और इसके समाधान के लिए काफी बातचीत हुई है। दूसरा मुद्दा जो है, गरीबी दुनिया में काफी लोग बेचैनी में हैं और एक गरीबी अवस्था में जीते हैं, इसका कारण भी समाज ही होता है और गरीबी को कैसे हटा सकते हैं इस पर भी बातचीत हुई है। और स्वामी जी ने यह भी बताया कि पोप फ्रांसिस ने भारत में और पूरी दुनिया में भाईचारा के लिए अवश्य बातें की होंगी माननीय प्रधानमंत्री जी से, ताकि विश्व में और भारत में सभी के साथ एकता और शांति हो। स्वामी जी ने यह भी बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार पोप फ्रांसिस से मिले, इसीलिए यह एक ऐतिहासिक भेंट वार्ता अवश्य है, लेकिन इससे पहले जो भी माननीय प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे भारत में उस जमाने के पोप से मिले हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि माननीय जवाहरलाल नेहरू, माननीय आई के गुजराल, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इन्होंने सभी ने उस जमाने के पोप के साथ भेंट वार्ता की है। और उन्होंने ये भी बताया कि राजनीति तौर पर अच्छा है, दोनों राष्ट्रों में एक अच्छा संबंध हो सकता है और अन्य राष्ट्र के लिए भी एक अच्छा संदेश चला जाता है कि नेता लोग मिल रहे हैं, धार्मिक और राजनीतिक विश्व की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और स्वामी जी ने यह भी बताया कि इससे बीजेपी भी कुछ ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि फायदा तब होगा कि जब धर्म को लेकर जो भी समस्याएं उठती हैं और तनाव आ जाते हैं तो इन सब का समाधान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दायित्व होगा। इस देश को एकता और शांति में आगे बढ़ाने का, यदि धर्म को लेकर कहीं पर समस्या आती है तो देश एक नहीं रह पाता। स्वामी जी से यह भी जाना कि इन दोनों प्रचारक को पर जो निरंतर हमले हो रहे हैं, प्रार्थना सभा में जाकर गिरजाघरों को तोड़ा जा रहा है या फिर पादरियों को सताया जा रहा है, पासवानों को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, इस पर स्वामी जी ने कहा कि पिछले 4 साल से कुछ गिरजाघरों में जाकर पवित्रता को भंग करते हैं और काफी नुकसान पहुंचाते हैं और लोगों को मारते पीटते हैं और बेगुनाहों लोगों को थाने तक भी पहुंचा दिया है और कुछ लोगों को जेल में भी भेज दिया है। इसमें जो हाथ है, कुछ छोटे छोटे ऐसे झुंड हैं जो अशांति फैलाते हैं और यहाँ वहाँ समाज में तनाव फैलाने का काम करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए हमारे देश में। जबकि हमारे देश का इतिहास देखा जाए तो यहाँ पर हमेशा शांति रही है और भाईचारा रहा है, और जब दुख लगता है, जब कुछ लोग अपने हाथ में कानून लेते हैं और काम करने लगते हैं, प्रशासन भी जिम्मेदारी होती है कि तुरंत एक्शन ले जो ऐसे कार्य करते हैं, क्योंकि यह सब रुकना चाहिए। और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध व्यक्त किया कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं उस पर तुरंत सख्त कार्रवाई दें। बरेली से सीनियर संवाददाता संगीता सिंह के साथ नीरज सिंह की खास रिपोर्ट। स्वामी जी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी भेंट की है, इसमें क्या सबसे पहले ये प्रधानमंत्री हैं या इससे पहले भी पोप से और भी लोगों ने मुलाकात की है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार संत पापा फ्रांसिस से मिल रहे हैं, इसलिए एक ऐतिहासिक भेंट अवश्य है। लेकिन इससे पहले भी जो माननीय प्रधानमंत्री लोग रह चुके हैं हमारे भारत में, काफ़ी लोगों ने उस जमाने के संत पापा या पोप के साथ उनकी भेंट हुई है। जैसे कि मुझे याद है माननीय जवाहरलाल नेहरू, माननीय आई के गुजराल, माननीय अटल बिहार वाजपेयी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इन सबों ने उस जमाने के संत पापा के साथ भेंट की थी।
और पॉलिटिकली अच्छा है क्योंकि दोनों राष्ट्रों के बीच एक अच्छा संबंध हो जाता और अन्य राष्ट्रों के लिए भी एक संदेश चला जाता है कि नेता लोग मिल रहे हैं, धार्मिक और पॉलिटिकल नेता लोग मिल रहे हैं ताकि विश्व के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि स्वामी जी, ये एक नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक भेंट थी, लेकिन जानना हम ये चाहते हैं कि इससे भारत वर्ष को क्या फ़ायदा पहुँचेगा और ये भेंट कितना जो है काम आएगी। जैसे कि हम पॉलिटिकली देखा जाए तो शायद संबंध अच्छे होंगे दोनों राष्ट्रों, दोनों देशों के बीच, और इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा। और मैं समझता हूँ, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ कुछ न्यूज़पेपर में, इसमें बीजेपी का भी कुछ फ़ायदा होगा कह रहे हैं। जैसे कि इलेक्शंस आ रहे हैं, असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं कुछ राष्ट्रों पर, तो उसमें फ़ायदा होगा। लेकिन केवल पॉलिटिकल फ़ायदा से भारत को ज़्यादा लाभ नहीं होगा। फ़ायदा तब होगा जबकि इस देश में, ये सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर धर्म को लेकर जितने सारे अभी कुछ समस्याएं उठती हैं, बीच बीच में तनाव आ जाते हैं, इन सब का समाधान वो मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का दायित्व होगा कि इस देश का एक देश को एकता में, शांति में आगे बढ़ाने के लिए। और जहाँ कहीं भी यदि धर्म को लेकर समस्याएं आती हैं तो फिर देश एक नहीं रह पाता। तो अभी इस भेंट, स्वामी जी आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि अभी एक भेंट वार्ता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोम के में जाकर एक अच्छी वार्ता की, जिसमें कई एक चीज़ें हैं जो सभी लोग जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनके बीच में, दोनों के बीच में बात हुई। जितनी जानकारी मैंने हासिल की है उसके मुताबिक मैं इतना बताना चाहूँगा कि इन दोनों की भेंट, जैसे कि पहले निर्धारित थी केवल 20 मिनट की, लेकिन एक घंटे से भी ज़्यादा संत पापा फ्रांसिस और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हुई है। और मैं समझता हूँ दुनिया में काफ़ी समस्याएं हैं, हमारे भारत में काफ़ी समस्याएं हैं, इन सारे समस्याओं को लेकर इन्होंने वार्ता की है। और विशेष रूप से पर्यावरण को लेकर, एक तो बहुत बड़ा मुद्दा ही प्रॉब्लम है दुनिया में, इसके समाधान के लिए इन्होंने बात की है। दूसरी बात जो है गरीबी को लेकर, विशेष रूप से हमारे भारतवर्ष में गरीबी काफ़ी है और काफ़ी लोगों का उत्थान के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना है, इस बात पर भी इन्होंने चर्चा की है। और एशिया तथा